अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, और आज की वीडियो हम शुरू करते हैं इस खूबसूरत से फूल से। और ये उन लोगों के लिए है जो इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और सराह रहे हैं मेरी वीडियोस को। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं, सारे पाकिस्तानी हैं। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे पास अल्फाज नहीं है जिस तरीके से आप लोग मोहब्बत कर रहे हैं। बहनें हैं, ठीक है, दोस्त हैं, माएँ हैं, इतनी आंटीज़ की मुझे कॉल आती हैं, ठीक है, और इतना वो प्यार करती हैं, या लाइक आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो आज की जो हम वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं, पांच मरले का घर है और आप लोगों को पता है कि पांच मरले के घर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मैं जो है यही खोज में लगा रहता हूँ कहाँ पर अच्छा मुनासिब घर मिल जाए, ठीक है, पाँच मरले का, जो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। सो वी आर इन एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, और सबसे पहले 30 फुट की गली इधर भी है और 30 फुट की गली इधर भी है। सारे घर बने हुए हैं, ठीक है, पैक्ड ये स्ट्रीट है। तो ये आपके सामने घर है, अभी हम इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या मामलात हैं। सो दिस इज़ द पोर्च, ये पोर्च आप देख लें। बेसिकली बिल्कुल ब्रांड न्यू हाउस है। मुझे इसकी वीडियो बनाने से पहले इसके ऑनर ने कहा था कि आसिद भाई आप जो है इसको ज़रा ये पूरा उठ जाए तो तब बनाइएगा। मैंने कहा नहीं, डिमांड इतनी ज़्यादा है कि मैं जो है इस घर को इस तरह जाने नहीं दूंगा। तो ये आपके पास गैलरी आ जाती है, ठीक है, दिस इज़ द गैलरी, बैग वगैरह खड़ा करने के लिए। पोर्च आप लोगों ने देख लिया है, पाँच मरले के घर है, 2550 इसका साइज़ है। दिस इज़ द ड्राइंग रूम, ठीक हो गया। तो अगेन याद दिलाता जाऊं, जिस जगह पे ये घर बना हुआ है ना, यहाँ पे 50 लाख सिर्फ प्लॉट की प्राइस है, ठीक हो गया। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस घर की कीमत बहुत अच्छी होने वाली है, विद ऑल फैसिलिटीज़, ठीक है। बिजली है, गैस ऑनर आपको लगवा के देंगे और बोर हुआ हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दिस इज द टीवी लाउंज। तो इसके ये इसकी अलमारी भी है टीवी लाउंज की। तो अगेन मेरी जितना आप लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि जो आप कॉल करते हैं मुझे, प्लीज़ 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 रात को 8 से लेकर 12 के दरमियान कॉल किया करें। मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ, अवेलेबल होता हूँ, जितनी देर कहेंगे जो चीज़ आपने पूछनी है ज़रूर पूछें। उससे पहले प्लीज़ मत कॉल किया करें, उससे पहले व्हाट्सअप कर दिया करें, मैं हद्दुल इम्कान हर किसी को रिप्लाई करता हूँ। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई की, ये प्लीज़ आप लोग जो है ना मान लें, क्योंकि मैंने दिन को वीडियोज़ वगैरह बनानी होती हैं और फिर उसके अलावा जो है वो और काम होते हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ आप समझ जाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके सामने ये किचन है, ठीक है, दैट इज़ द किचन। और अब मैं आपको बताता चलूँ, ये पांच मरले का घर है, डेढ़ स्टोरी, ठीक है, एक पूरा नीचे पोर्शन बना हुआ है और हाफ पोर्शन ऊपर है, ठीक है। तो 3 बेडरूम का ये हाउस होने वाला है और प्राइस भी काफ़ी अच्छी है इसकी, बाय कीपिंग द फैक्ट्स इन द माइंड के सर्विसेज यहाँ पे सारी अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपका ये आ जाता है बेडरूम नंबर 1, ठीक है, एंड बेडरूम नंबर 1 के साथ आपकी कबर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है, दीज आर द कबर्ड्स। सामान पड़ा हुआ है, पेंट वगैरह का चल रहा है थोड़ा बहुत। और दिस इज़ द बाथरूम, और यहाँ पे सीट लगी हुई है, सिंक नहीं है, ठीक है। और दिस इज़ द सहन, क्या कह सकते हैं इसे, ठीक है, पीछे सहन जो होता है। और ये है सेकेंड रूम जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और अगेन सिमिलर नक्शा है, ठीक है, जो पांच मरले का होता है, नथिंग स्पेशल इन इट। तो अगेन ये आपका आ जाता है वॉशरूम इसका, ठीक है। तो अब हम इसकी प्राइस की बात करते हैं, पांच मरले का ये घर है, डेढ़ स्टोरी, एंड एक अच्छी सोसाइटी में है, बाइक कीपिंग ऑल द फैक्ट्स इन द माइंड के सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसकी जो फाइनल प्राइस है, फाइनल लाइक फाइनल, इससे जिस क्या कहते हैं ना कि जिससे बिल्कुल कम नहीं होना, 78 लाख है, ठीक हो गया। दिस इज़ द पोर्च। और हाँ, मुझे जहन में आ गई मेरी चीज़, वीडियो बनाते हुए मेरी एक बहन थी, वो यूके से वीडियो देखती है, तो वो मुझे कहती है कि सर भाई हर घर का ना सीलिंग का डिज़ाइन दिखा दिया करें, ये लें, मुझे उनका नाम नहीं याद, तो उनके लिए सीलिंग का डिज़ाइन मैंने, क्योंकि उन्होंने कोई घर बनाना शायद, उन्होंने उसके लिए आइडियाज़ चाहिए। तो ये लें जी, आपके लिए सीलिंग के डिज़ाइन दिखा दिए, आने वाली वीडियोज़ में भी अगर मुझे याद आया तो मैं ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट याद रखूँगा। तो अभी हम चलते हैं सेकेंड पोर्शन की तरफ, और मार्बल का अमूमन इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और हाउस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि जी मटेरियल और मटेरियल
का तो नहीं पता हम लगा सकते हैं, मेटेरियल का पता लगा सकते हैं अगर सेम वगैरह आई हो। सेम वगैरह आई हुई है तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है ना वो हम कहते हैं कि तंत्री हुई हुई है, वो हुई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम तो मुझे इस घर में नहीं दिख रही, तो अब मैं यहाँ से आपको माय गॉड करने लगा था, तो ये आपको दिखा देता हूँ सामने का व्यू। दिस इज़ द व्यू, सामने घर बने हुए हैं, ठीक है। 30 फुट की गली है, साथ प्लॉट भी है जहाँ पे आप गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। रॉक वॉल फ्रंट फेसिंग पे घर पे हुआ हुआ है। तो ये ऊपर एक रूम है, ठीक है, ये रूम है ऊपर, आप देख रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 1.5 स्टोरी घर है, तो यहाँ पे एक रूम बना हुआ ऊपर और साथ चिप्स वगैरह डली हुई है यहाँ पे, और ये एक वॉशरूम बना हुआ है, ठीक है। ये भी आपको दिखा देता हूँ, दिस इज़ द वॉशरूम, ठीक है। यहाँ पे अभी मिरर नहीं लगा हुआ। तो ये सिनेरियो है इस घर का। एंड यहाँ पे नीचे वेंटिलेशन के लिए जगह दी गई है। तो जिसको भी ये घर पसंद आए ज़रूर मुझसे रब्ता करें, और ये घर विज़िट भी हो सकता है। अगेन याद दिलाता चाहूँ, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में घर वाक़ है। 78 लाख इसकी फाइनल प्राइस है विद ऑल फैसिलिटीज़। एंड अब इसके बाद जो हमने मूव करना है इंशाल्लाह, अडयाला रोड की तरफ भी मैंने जाना है, वहाँ की भी वीडियोज़ लेके आनी है। और इसके अलावा आप लोगों के पास कोई अगर घर हो जो फॉर सेल हैं, ब्रांड न्यू हाउसेस, आप मुझे वीडियोस शेयर कर सकते हैं। जिस तरीके की वीडियो मैं बनाता हूँ उस पर मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों के लिए अपने चैनल पे अपलोड करूँगा वीडियोस। और अगर किस्मत में हुआ तो वो घर मेरे थ्रू सेल हो सकता है। तो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं यहीं पर, और इस दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।